नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के खिलाड़ी ओलंपिक पदक विजेता, एशियाई खेलों के पदक विजेता, कॉमनवेल्थ खेलों के पदक विजेता, देश के सर्वोच्च खिलाड़ी पिछले 13 दिन से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय, उनकी न्याय की आवाज सुनने की बजाय, उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उनको परेशान करने पर जुटी हुई है। आज इसी मुद्दे को लेकर हमारे बीच में आपके जाने माने, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्री विजेंद्र बॉक्सर जी, अमृता धवन जी और डोली शर्मा जी आपके बीच में हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा विजेंद्र जी से, वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद आप सबका, और आप सबसे रूबरू होने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जिस तरह की नाइंसाफी जंतर मंत्र पर हुई है, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं उनके साथ हूं, उनके साथ खड़ा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ न्याय होगा। और जब जैसे मेरे को इस न्यूज़ का पता लगा, कल रात की न्यूज़ थी, तकरीबन 2:30-3 बजे जब बारिश हो रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में कहते आराम से एसी में सो रहे थे, और जब ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर उनके बेड उनसे छीन लिए जाते हैं और बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है, एक ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए मैं नहीं मानता कि इससे कोई बुरा दिन होगा। जिस लड़के ने बजरंग पूनिया ले, आप विनेश फोगाट ले, साक्षी मलिक ले, जो हमारी हिंदुस्तान की शान है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, तो आप सोच सकते हैं कि जो आम लोग हैं बेचारे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। और रही बात क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो तो सब जानकारी के बाद पता लगेगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि लगी पुलिस ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, तो लेकिन मेरा एक सवाल था सिर्फ कि पुलिस ने किसके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की, वो भी हिंदुस्तान की जो शान है, हमारी जो बहन बेटियां उनके साथ किसके इशारे पर ये सब चीजें हुई, इसकी जांच हो। और हमारे जो ओलंपिक विजेता हैं, हमारे भाई बहन, उनका उनके साथ न्याय हो, और जो भी न्याय प्रक्रिया है उसको सरेआम सबके सामने दिखाया जाए कि हमने ये कार्रवाई की, हमने ये कार्रवाई आगे की जाएगी। तो इसलिए हम आप सब से रूबरू होने के सिर्फ एक ही मकसद था कि भैया हम अपने पहलवानों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, और एक खिलाड़ी होने के नाते मैं हमेशा उनके साथ था और आगे भी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सभी मीडिया साथियों का स्वागत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर देश भर में, दुनिया भर में राजनीति करने वाले भाजपा के नेताओं ने दिल्ली पुलिस के जरिए कल देर रात जंतर मंतर पर जो किया, वो सारी मर्यादाओं को लांघने का काम किया है। ये विश्व विजेता हैं, हमारी विमेन रेसलर्स देश की आन बान शान है, और अपने हक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर करीबन 2 हफ्ते से बैठी हैं, सिर्फ एक ही मांग को लेकर कि उनको इस देश में न्याय की उम्मीद है। लेकिन दुख की बात यह है कि भाजपाओं के नेताओं की फेयर लिस्ट बहुत लंबी है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, चाहे चिन्मयानंद की बात हो, साक्षी महाराज की बात हो, कुलदीप सेंगर की बात हो, और अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा के एमपी ब्रिजभूषण की बात हो। भाजपा का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा अपराधी को संरक्षण दी है और पीड़िताओं के ऊपर सवाल खड़ा किया है।
ये कोई आम पीड़िता ही नहीं है, ये वर्ल्ड चैंपियंस हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। जब देश के लिए मेडल जीतती हैं तो प्रधानमंत्री फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इन सबको बुलाते हैं, पूरा देश हंसता है, खिलखिलाता है। लेकिन आज उन्हीं बेटियों को, उन्हीं विश्व विजेताओं को कल रात मजबूर कर दिया गया आंसुओं के लिए। हमने ऐसा दृश्य पहले कभी सोचा भी नहीं था और इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि जंतर मंतर पे ऐसा भी दृश्य रात में कभी देखने को मिलेगा। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है और खासकर तब मैं अपने मीडिया साथियों से कहूंगी, और मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन पॉक्सो एक्ट के अंदर जो धाराएं लगती हैं, इतनी गंभीर धाराओं के बावजूद हमारे मीडिया के साथी उस अपराधी का सरेआम इंटरव्यू ले रहे हैं और वो सरेआम इंटरव्यू दे रहा है। अब तक तो उनका इमीडिएट अरेस्ट हो जाना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो भाजपा के एमपी हैं, क्योंकि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो मोदी जी और अमित शाह जी के करीबी हैं, तो उनको इस देश में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के लिए इम्यूनिटी मिल जाएगी। ये देश की बेटियां कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी कल गलती क्या थी। हम सब ने कल दिल्ली का मंजर देखा, जिस तरीके से बारिश हो रही थी, गद्दे गीले हो रहे थे जंतर मंतर पे, जहां वो बैठी हैं वहां गद्दे गीले हो रहे थे। अगर उनको कोई खटिया दे रहा है या कोई मदद कर रहा है, उसके नाम पर उनके साथ उस तरीके से बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, अमानवीय विहार करना, कपड़े फट रहे हैं, खदेड़ा जा रहा है, ये दृश्य दिल्ली के अंदर दिख रहा है जंतर मंतर पे विश्व विजेताओं के साथ। स्मृति ईरानी जी कहां है? स्मृति ईरानी जी से सवाल करना बड़ा जरूरी है। महिला बाल विकास मंत्रालय है उनके पास, उनकी ममता, उनकी करुणा, उनका लाड सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के ऊपर जब बात आती है तभी क्यों निकलता है? ममता के दो बोल इन देश की बेटियों के लिए अभी तक क्यों नहीं बोली है? क्या आपकी कोख से अगर कोई जन्म नहीं लेगा तो क्या उन देश की बेटियों के आप बोलेंगे नहीं? यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि महिला मंत्री जब भी निकलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सिर्फ राहुल गांधी जी पे निजी कटाक्ष करने के लिए निकलती हैं, लेकिन देश की बेटियों के लिए, विश्व विजेताओं के लिए मौन धारण करके बैठे हैं। चुप्पी पर सवाल खड़ा होगा। आज मीडिया से भी एक सवाल करना चाहती हूं। इस पूरे प्रकरण में इतने दिन से धरना हो रहा है और गंभीर आरोप हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? सारे सवाल महिला खिलाड़ियों से ही क्यों किए जा रहे हैं? हमें उनका समर्थन करना होगा और देश का हर व्यक्ति उनका समर्थन करता है। हमें उनकी मदद करनी है ताकि कभी किसी और बेटी के साथ, कभी किसी और खिलाड़ी के साथ गेम के नाम पर, फेडरेशन के नाम पर शोषण नहीं किया जा सके। अनुराग ठाकुर जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अगर उन्हें पुशअप करने से फुर्सत मिल गई हो तो उम्मीद करते हैं कि वो इनकी बात सुने, जो कल रात हुआ जंतर मंतर पे उसका संज्ञान ले। यह जरूरी है क्योंकि पिछली बार उनके झूठे आश्वासन पर इन खिलाड़ियों ने अपने प्रोटेस्ट को रद्द कर दिया था, फिर से सिर्फ न्याय की उम्मीद पर, लेकिन वो न्याय अभी तक मिला नहीं है। एफआईआर दर्ज हो जाना, वो भी न्यायालय के निर्देशों पर एफआईआर का दर्ज होना, ये कोई विक्ट्री नहीं है,
ये यौन शोषण का मामला है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं है। इस मामले पर इमीडिएट से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपनी आंखें और कान खोलने चाहिए। अब ये समय आ गया है कि ये देश तय करे कि उन्हें रेपिस्ट चाहिए या उन्हें मेडलिस्ट चाहिए। ये निर्णय लेने का समय आ गया है और आज अगर हम इसमें चूक गए तो कल जो हजारों और करोड़ों लड़कियां खिलाड़ियों को देखकर कहीं ना कहीं अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं, अपने घर की दहलीज पार नहीं कर पाएंगी और इन खेलों का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। तो इस मंच से यही कहना चाहूंगी अंत में कि हमें अब भी उम्मीद है कि बेटियों के साथ न्याय होगा, लेकिन हमें सरकार से उम्मीद नहीं है, हमें इस देश की कानून व्यवस्था से उम्मीद है। और हम मांग भी करते हैं कि कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष बने रहेंगे, जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं होगा, जब तक उनका अरेस्ट नहीं होगा, ये FIR भी बेमानी है और आने वाली इन्वेस्टिगेशन भी बेमानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मैं एक कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी कि देश का भविष्य मरता रहे उचित इलाज के अभाव में। यहां नौ निहालों की के ऊपर बरसती रही लाठियां, देश का प्रधानमंत्री व्यस्त रहे अपने राजनीतिक दाव में। तो देखिए किस तरीके से रात हमारे जो ओलंपिक जो मेडल देश का मान सम्मान विश्व पटल पर बढ़ाने वाले खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं, उनकी पिटाई हुई, बारिश थी, जगह गीली थी, कहां सोते वो? लगातार 13 दिन से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, लोकतांत्रिक हक से, संवैधानिक हक से अपनी आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हमारी बात कहने का हक है। वो मांग क्या रहे हैं? उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि हमारे साथ शोषण हुआ है। एक नाबालिग पहलवान, उस बच्ची के साथ भी शोषण हुआ है। लगातार खिलाड़ियों ने अपनी बात कही, बात उठाई, लेकिन क्या हुआ उनके साथ? आप सब देख रहे हैं, ब्रिजभूषण सरन सिंह तो सोएंगे डल्लब के गद्दे पे और देश का पहलवान, देश की बेटियां, वो बारिश में भी लकड़ी के फट्टों पर नहीं सो सकती। वहां अगर वो लकड़ी के फट्टों के इंतजाम करेंगे तो आप उनकी पिटाई करेंगे। आज मैं खुले मंच से कहना चाहूंगी, देश की वो स्थिति कर दी है इस भाजपा की सरकार ने कि अगर हिंदू सवाल उठाता है तो देशद्रोही, मुसलमान सवाल उठाता है तो पाकिस्तानी, सरदार सवाल उठाता है तो खालिस्तानी। देश की महिला सवाल उठा रही है, देश की बेटियां सवाल उठा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वालों से, मैं पूछना चाहती हूं उन प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपकी वो वीडियो आज पूरा देश देख रहा है जहां आपने कहा था, विनेश तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हारे को रोते हुए हम नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री जी, 13 दिन से बेटियां बिलख रही हैं। कल रात पिटाई के बाद जिस तरीके से एक हमारे पहलवान भाई का सर फोड़ दिया गया, वो लोग आज तड़प रहे हैं। आपके घर के कुछ किलोमीटर दूर वो तड़प रहे हैं, लगातार बैठे हैं। जब आप बड़ी बड़ी तस्वीरें उनके साथ खिंचाते हैं, जब वो मेडल जीत कर लाते हैं, उनका दुख दर्द पूछने कौन जाएगा? आपका हक बनता है प्रधानमंत्री जी, आपको चुनाव प्रचार तुरंत छोड़कर देश की उन बेटियों का हाल पूछना चाहिए था कि आपको आखिर दिक्कत क्या है, मेरे बच्चों में तुम्हारे साथ हूं। और ये तब हुआ जब विनेश ने अपनी विपदा, अपनी परेशानी, अपना दुख
प्रधानमंत्री जी को सीधा बताया, बीच में कोई नहीं, बीच में कोई नहीं, सीधा का सीधा बताया कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ये दुराचार हो रहा है, हमारा इस तरीके से शोषण हो रहा है। लेकिन आप सबके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से कि आपके और पहलवानों के बीच तो कोई नहीं था, आखिर क्यों उनकी सुनवाई नहीं हुई? 3 महीने पहले यह प्रकरण सामने आया, 3 महीने पहले पहलवान बैठे, हमारी बहनें बैठी, उन्होंने आवाज उठाई, खेल मंत्री आ गए, कहा कमेटी बनेगी, 2 कमेटियां बनाई, और कमेटी बनाने के बाद क्या हुआ? आज तक इंतजार कर रहे, न्याय की कोई बात नहीं। अभी मेरी बहन अमृता धवन जी ने कहा पॉक्सो, पॉक्सो लगने के बाद, इतनी संगीन धाराएं लगने के बाद बड़ी हैरानी की बात है, खुले तौर पर आप ही के चैनलों पे एक व्यक्ति जो कहता है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी सवाल पूछना चाहूंगी कि उस व्यक्ति ने खुले मंच से कहा कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, और वो हत्यारा, सांसद नहीं, हत्यारा आज खुले तौर पर घूम रहा है। कहां गया आपका बुलडोजर? कहां गई आपकी पुलिस? आज क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह के यहां नहीं जाती, क्यों नहीं पकड़ती? देश की बेटियां रो रही हैं। क्या होगा देश की बेटियों का जब उनके ऊपर इस तरीके से लगातार प्रहार पे प्रहार, प्रहार पे प्रहार किए जाएंगे? जब किसान 2 साल धरनों पर बैठे थे, आपने उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ना जाने क्या क्या बना दिया। आज देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां बैठी हैं और आपने उन्हीं के चरित्र पर सवाल उठा दिया। ये परिवारवाद की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूं, मेरा सवाल है यहां कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष पद भी उनके घर में है, 2-2 विधायक उन्हीं के घर के हैं वहां के, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या आप इसको परिवारवाद नहीं मानते? आप क्यों बचा रहे हैं? ऐसी कौन सी ताकतें हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के हाथ में, के पीछे, जो देश के गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के आड़े आ रही हैं, उनको न्याय नहीं मिलने दे रही हैं? ऐसी कौन सी वो ताकतें हैं? दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्री जी के हाथ में है, मैं पूछना चाहती हूं आज इस मंच से कि गृह मंत्री जी आखिर वो पुलिस उन बलात्कारियों को क्यों नहीं पकड़ती, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती जो महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं, उन पर डंडे क्यों नहीं बरसाए जाते? ये किसके कहने से हमारे देश की महान बेटियों पर, हमारे देश के महान खिलाड़ियों पर आपने डंडे बरसवाए? किसके कहने से? आखिर कौन वो ताकतें हैं, मैं बार बार सवाल करना चाहूंगी, जो आज देश के खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलने दे रही। अपील है मेरी इस मंच के माध्यम से कि खेल, खेल देश में एकता, अखंडता, सुहाद्र बढ़ाते हैं। ग्राउंड पर मेरे भाई विजेंदर यहां बैठे हैं, ये एकता भाईचारे की बात करते हैं। खेल सबको खुश रखता है, सबको एक साथ लाता है, हर धर्म और जात को साथ लाता है खेल। आज वो खिलाड़ियों के ऊपर आप जो जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो व्यक्ति जिसके ऊपर इतनी संगीन धाराएं लगी हैं, वो टीवी पर बैठा है और उन खिलाड़ियों से ही सवाल, उन खिलाड़ियों के ऊपर ही सवाल उठा रहा है, उनकी अस्मिता पर, उनकी इज्जत पर। मैं पूछना चाहूंगी कि जब देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों का ये हाल है, तो उन आम बेटियों का क्या होगा? वो कैसे ऐसे नेताओं पर सवाल उठा पाएंगी? आप इस तरीके की कार्रवाई के को कर आपकी गवर्नेंस पर सवाल उठता है कि आज अगर देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों का यह हाल है, तो उन आम बच्चियों का, आपकी और हमारी बच्चियों का क्या होगा? वो डर जाएंगी, सहम जाएंगी, सवाल नहीं उठा पाएंगी। वो बार बार यही सोचेंगी जब उन इतना देश विदेशों में नाम करने वाली महिला खिलाड़ियों का यह हाल है, तो हमारा क्या होगा? लगातार, लगातार बहुत सारे मामले पूरे देश में ऐसे आए हैं कि कहीं बलात्कार जहां भी होता है, भाजपा के नेता, मंत्री, सांसद बचाए जाते हैं।
आप बेटी बचाने की बात करते हो और असलियत आपकी है कि बलात्कार ही बचा रहे हो। मेरे सवाल है और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि बृजभूषण सरन सिंह जी को अध्यक्ष पद से तत्काल उनकी छुट्टी होनी चाहिए। बृजभूषण सरन सिंह जी के परिवार के अन्य सदस्य जो कुश्ती महासंघ पर पारिवारिक कब्जा जमाए बैठे हैं, उन पर तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें हटाया जाना चाहिए। बृजभूषण सरन सिंह जी के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर गिरफ्तारी हो और कड़ी कार्रवाई कर महिला खिलाड़ियों को न्याय मिले। जंतर मंतर पर कल रात महिलाओं द्वारा पहलवानों से जो गाली गलौज और अन्य पहलवानों से जो मारपीट के मामले हुए हैं, उन पर उच्च स्तरीय जांच की जाए। इस पर सख्त से सख्त ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, उन पुलिसकर्मियों की छटनी हो, छुट्टी हो, जिन्होंने हमारे देश के महान खिलाड़ियों के ऊपर डंडे उठाने की हिमाकत की हिम्मत की। कांग्रेस पार्टी के लिए यह मामला राजनीतिक नहीं है, हमारे लिए ये बेटियों की इज्जत अस्मिता का मामला है। हमें गर्व है अपने देश की महान खिलाड़ियों पर। खिलाड़ियों पर हम राजनीति नहीं कर सकते, खेल पर हम राजनीति नहीं कर सकते, और देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जहां देश की बेटियां फूट फूट कर रो रही हैं, कह रही हैं हमें न्याय चाहिए। खेल के मैदान में जाने से भी कल डरेंगी। तो आप सबसे मैं ये अपील करती हूं कि इस मामले को उठाइए, उन बेटियों की आवाज बनिए। प्रियंका गांधी जी, श्री हमारी उत्तर कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने यह दर्द समझा और वो हमारी महिला खिलाड़ियों की बात सुनने जंतर मंतर पहुंची। उनका दर्द उन्होंने सुना, उन्होंने कहा मैं आपके साथ खड़ी हूं, और प्रियंका गांधी जी के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने देश के उन महान खिलाड़ियों के साथ आज खड़ा है, खड़ा रहेगा, उनकी लड़ाई लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मुद्दे पर कोई सवाल है तो स्वागत है। है कि आप जिस खिलाड़ी जी ने जो मांग की गई थी एफआईआर की, वो एफआईआर हमने कर दी है। अब अगर आगे आपको न्याय चाहिए तो लोअर कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट जाइए, और एसआईटी की जो जांच की मांग थी उसको भी खारिज कर दिया। अब आगे क्या करेंगे जी? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हम बॉक्सिंग करते थे, हमारे साथ कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं आई कि किसी अध्यक्ष के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। और मैंने तकरीबन 15-20 साल फेडरेशन के साथ काम किया, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और रही बात कि कोर्ट का फैसला क्या आया है, तो कोर्ट के फैसले पे तो उनको तो जो उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की थी उसके बारे में जस्टिफिकेशन उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज होगी, अब आगे की कार्रवाई को पुलिस करेगी। लेकिन एक आपके मीडिया माध्यम से ही हमें पता लगा था कि उनके ऊपर अभी तक उनके इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक मैंने इंटरव्यूज देखे हैं उनके, बृजभूषण जी के, तो उनके ऊपर कोई किस तरह की जानकारी नहीं है कि भाई मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, मेरे इस तरह का कोई कानून लगा है। तो लेकिन ये नौबत ही क्यों आई? सवाल ये बनता कि ये नहीं बनता कि लाइक कोर्ट ने ये कर दिया, कोर्ट ने वो कर दिया, कोर्ट ये, कोर्ट तो बहुत सारी चीजें और भी करेगा, लेकिन एक खिलाड़ी के पास इस तरह की नौबत क्यों आई कि उसको जंतर मंतर पे बैठना पड़ा? सवाल ये बनता है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, लेकिन सवाल ये भी है कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आप उनसे पूछेंगे तो और बेहतर मिलेगा। विजेंद्र जी, एक सवाल ये है कि आप लोग या नीरज चोपड़ा हो गया, ऐसे तमाम खिलाड़ी समर्थन में उतरे हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स हों या बहुत सारे ओलंपियंस हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो शांत बैठे हुए हैं, कोई इनके समर्थन में नहीं उतर रहा है। यहाँ तक कि आमिर खान जैसे स्टार जब दंगल फिल्म आई थी तब वो इनके साथ फोटो खिंचाते थे, वो भी खामोश बैठे हुए। तो तकलीफ होती है क्या कि आज जब आपके खिलाड़ी दर्द में है तब आप साथ नहीं दे रहे हैं, आपके साथी साथ नहीं दे रहे? सर, कहते हैं जो साथ में आई थिंक हम उनकी प्रशंसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और जो हमारे साथ नहीं है तो
तो भी कहते हैं कि कभी ना कभी सबका नंबर आएगा, अभी टाइम सबका आएगा। ये बात नहीं है कि आज रेसलर की बारी है तो कल किसी और की बारी होगी, तीसरे दिन किसी और की, तो नंबर सबका आएगा, थोड़े दिन वेट कीजिए। और रही बात क्रिकेटर क्यों नहीं बोल रहे, तो एक जैसे कुश्ती के WFI के जो प्रेसिडेंट अब्रज भूषण जी हैं, वैसे ही कहते हैं क्रिकेट के प्रेसिडेंट कौन है, आपको ही मालूम होगा सर, तो जबान कैसे निकल जाएगी। आपने किसान की भी बात करी थी कि किसान मोर्चा जब चल रहा था तो बहुत सारी कोशिशें की गईं कि जो है उनको नीचा गिराया जाए, उनको खालिस्तानी बोला गया जी। सेम वही चीज अभी फिर से चल रही है, अभी फिर जो है खिलाड़ियों का जो चल रहा है जी। उनके लिए भी यही चीज बोली जा रही है कि वही लोग हैं जो उनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं सब मिलकर आ रहे हैं, हरियाणा ही क्यों आ रहा है, ये हरियाणा की पॉलिटिक्स है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सवाल पूछना देश में गुनाह हो गया है। मैंने आपको बताया कि हिंदू सवाल उठाता है तो राजद्रोही, मुसलमान उठाए तो पाकिस्तानी, सरदार उठाए तो खालिस्तानी, किसानों को क्या क्या नहीं कहा। अंततः इन्हें माफी मांगनी पड़ी देश के किसानों से हाथ जोड़कर। इस संग्राम का जो हमारे देश की बेटियां खिलाड़ी वो लड़ रही हैं, वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, वो देश की एक एक बेटी की लड़ाई लड़ रही हैं, वो उस हर बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं जिसको बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता दबाव के कारण न्याय मिलने नहीं देते। तो ये जो हिंदुस्तान में इस सरकार के आने के बाद प्रथा चल गई है, ये बहुत अजीब है। इसी कारण कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता ये कह रहा है, कि हम अपने देश की बेटियों के साथ हैं, उनकी इज्जत अस्मिता की लड़ाई हमारी लड़ाई है। क्योंकि जैसे FIR हुई, अब तक बयान हो जाने चाहिए थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भाई मजिस्ट्रेट ने अभी तक बयान क्यों नहीं दर्ज किए, किसी के बयान नहीं हुए। तो आप औपचारिकताएं निभा रहे हैं, FIR की कॉपी आपने अभी तक नहीं दी खिलाड़ियों को। तो जो कर रहे हैं, जो कथनी और करनी के फर्क है वो साफ है, धरातल पर है, दिख रहे हैं। दो सवाल हैं। कल एक तो जो जंतर मंतर पर हुआ उसमें दिल्ली पुलिस का क्लेरिफिकेशन आया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रेसलर्स अलेज कर रहे थे कि वो शराब पी के आए थे कोई दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल्स, अभी मेडिकल हुआ, दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोई भी मेडिकल में इस तरीके की चीजें नहीं पाई गई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा सवाल, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कहा है कि अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मेडल्स वापस करने को तैयार है प्रेसिडेंट को, क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक बात है, अगर आप इतना बड़ा प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, ओलंपिक मेडल जीत के लेके आए हैं, और वो इस तरह के बयान दे रहा है, तो सचिन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में जिसको वो बदलना चाहते हैं। एक ओलंपिक मेडल कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं बहुत सारे सवाल कि भैया सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या, ओलंपिक मेडल, तो उनकी लाइफ का भी सबसे बड़ा अचीवमेंट ओलंपिक मेडल, अगर वो उसको ही लौटा देंगे तो। जब उन्होंने ये बयान दिया, आज ट्विटर पर देखा मैंने, तो मोहम्मद अली की याद आई मुझे, जो महान केसेस के लिए जो मुक्केबाज थे, जब उन्होंने थ्रो किया था अपना मेडल, तो वैसी फीलिंग आई मेरे को कि यार इनके साथ भी बहुत ज्यादती हो रही, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ नहीं। बहुत सारे मीडिया चैनल हमें भी अप्रोच करते, भाई साहब आओ हमें बात करनी है, तो लेकिन सच में उनके साथ गलत हो रहा है। और रही बात दिल्ली पुलिस का इसमें क्या रोल है, तो विनीत भाई साहब ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। देखिए, इस पूरे मामले पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। जो सवाल आपका दिल्ली पुलिस के बारे में है, और हमने साफ साफ बात की है कि कटघरे में गृहमंत्री हैं, कटघरे में सरकार है, जिनकी इंस्ट्रक्शंस में दिल्ली पुलिस काम करती है, वो वही करेगी जो उन्हें कहा जाएगा। उनसे हमें ज्यादा ना तो उनसे नाराज होना चाहिए, ना उनसे ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। धन्यवाद।
विजेंद्र जी, आपसे एक सवाल था, जस्ट सेम रिलेटेड सवाल। मेडल्स जो भी आप जीते हैं वो अपनी आपकी अपनी है, पर अवार्ड्स आप खुद ही एक अवार्डी हो, ऐसे जिन जिन को द्रोणाचार्य, अर्जुना या जो भी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं, क्या आप लोगों ने डिसीजन ले रहे हो कि ये आप रिटर्न करोगे? क्या अवार्ड्स तो नेशनल अवार्ड्स जो मिले। सर आपके पास अवार्ड है कोई? नहीं मेरे, मैं तो छोड़िए सर, आप नहीं समझेंगे इस फीलिंग को सर। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं सवाल